नमस्कार, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्राणी शास्त्र विभाग के इस परिचयात्मक वीडियो प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय राजस्थान राज्य के शाही शहर उदयपुर में स्थित है। यह विश्वविद्यालय राजस्थान के प्रमुख शैक्षिक संस्थानों में से एक है और इसे MHRD द्वारा A ग्रेड के रूप में मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में इसे भारत के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में स्थान दिया गया है। राजस्थान के राज्यपाल माननीय कुलाधिपति कलराज मिश्र जी और माननीय कुलपति प्रोफेसर अमरिका सिंह जी के नेतृत्व में विश्वविद्यालय उत्कृष्टता को लक्षित कर रहा है और नवीन कार्य कर रहा है। प्राणी शास्त्र विभाग की स्थापना वर्ष 1964 में हुई। स्थापना के महत्वपूर्ण प्रारंभिक दो दशकों में इसकी श्रेष्ठ उत्पादकता एवं सफलता बहुत ही यादगार एवं चिरस्थायी है तथा स्वयं विभाग के लिए ही एक प्रेरणादायक कहानी है। विभाग ने प्रतिष्ठित अकादमिक पेशेवरों की एक ब्रिगेड का निर्माण किया है। विभाग के सबसे उल्लेखनीय संकाय पद्मश्री अवार्डी प्रोफेसर GC मिश्रा, प्रोफेसर SS गुराया तथा ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर भूमित्र देव तथा प्रोफेसर मधुसूदन शर्मा हैं। अब तक प्राणी शास्त्र विभाग के 5 प्रोफेसरों ने विज्ञान संकाय के डीन के रूप में काम किया है और लगातार 12 वर्षों तक विज्ञान संकाय में प्राणी शास्त्र विभाग से डीन रहे हैं। विभाग प्रोफेसर विजय नारायण, प्रोफेसर VS दुर्वे, प्रोफेसर AN गुप्ता, प्रोफेसर AS सेठी, प्रोफेसर SB लाल, प्रोफेसर LS रत्नु, प्रोफेसर PN शर्मा, प्रोफेसर छाया भटनागर, प्रोफेसर रागिनी शर्मा और प्रोफेसर प्रीति सिंह द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए आभारी है। विभाग प्रोफेसर आरती प्रसाद की अध्यक्षता के दौरान विभाग ने अपने संसाधनों को नए कार्यक्रमों और पाठ्यक्रम नवाचारों, अनुसंधान बुनियादी ढांचे के विकास और संकाय क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। नतीजतन विभाग ने उज्जवल दिमागों को आकर्षित करते हुए देश भर में लोकप्रियता में भारी वृद्धि देखी है। इस वर्ष विभाग को उपलब्ध 50 सीटों के लिए 500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए और विभाग में 10 से अधिक राज्यों के छात्र हैं। अनुसंधान आधारित संरचना। प्राणी शास्त्र विभाग अनुसंधान उत्पादन से संबंधित शीर्ष विश्वविद्यालय विभागों में से एक है। डिपार्टमेंट में एंटमोलॉजी, वेक्टर कंट्रोल बायोलॉजी और पब्लिक हेल्थ एंटमोलॉजी पर शोध करने के लिए अच्छी तरह से स्थापित प्रयोगशालाएं हैं। यह WHO और गॉडरेज के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है। अनुसंधान के अन्य क्षेत्रों में कीट वर्गीकरण, वन्य जीव जीव विज्ञान, विश्व विज्ञान शामिल है। एक आधुनिक आणविक जीव विज्ञान प्रयोगशाला विभाग में उपलब्ध है जो छात्रों और शोधकर्ताओं को राजस्थान और भारत के विभिन्न हिस्सों से आकर्षित करती है। शैक्षिक प्रदर्शन। हमारी सफलता उच्च गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रमों, अच्छी सुविधाओं, दोस्ताना माहौल और समर्पित शैक्षणिक कर्मचारियों पर आधारित है। यह ध्यान देने योग्य है कि इस विभाग में लड़कियां बहुसंख्यक हैं। मास्टर ऑफ साइंस में विभाग में 68% महिला छात्र हैं। 2014 के बाद से विभाग द्वारा प्रस्तुत विभिन्न कार्यक्रमों में छात्रों की संख्या में प्रत्येक उत्तीर्ण वर्ष के साथ कई गुना वृद्धि देखी गई है। इस साल छात्र संख्या 200 सीमा को पार कर गई। पिछले 6 वर्षों में विभाग के छात्रों ने भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके विभाग को काफी प्रतिष्ठा दिलाई है। अच्छे अंक प्राप्त करना और फेलोशिप के लिए चयनित होना प्रत्येक स्नातक छात्र के लिए एक सपना है। जब आप अध्ययन और शोध में शामिल हो जाते हैं तो आपको सफल होने के लिए बाकी सब चीजों पर प्राथमिकता तय करनी होगी। विभाग के प्रमुख प्रोफेसर आरती प्रसाद द्वारा इस प्रेरणा ने पिछले 6 वर्षों में लगभग 40 छात्रों को नेट और गेट पास करने में मदद की है। वर्ष 2018-2019 में 14 छात्रों ने सफलतापूर्वक इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया। इतना ही नहीं, 39 छात्रों में से 10 ने शीर्ष 50 के तहत रैंक हासिल की। RPSC ने विभाग से सहायक प्रोफेसर पद के लिए 15 छात्रों का चयन किया, जो राजस्थान के किसी भी शैक्षणिक विभाग में सबसे अधिक थे। अनुसंधान और परियोजनाएं। जूलॉजी विभाग ने व्यापक शोध कार्य किया है और यह विभाग द्वारा किए गए प्रकाशनों में दिखाई देता है। इन नए बैक्टीरिया उपभेदों को संभावित रूप से मलेरिया और डेंगू को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
पिछले 6 वर्षों में विभाग के पास नवीन अनुसंधान परियोजनाओं को लागू करने के लिए अनुदान हासिल करने का एक उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड है। सबसे उल्लेखनीय है MHRD रूसा से लगभग 5 करोड़ रुपए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 60 लाख रुपए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से 48 लाख रुपए, गोदरेज और रेकिट बैंकिजर से 15 लाख रुपए और WHO से 14 लाख रुपए। इसने अनुसंधान को सुविधाजनक बनाने और अकादमिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने में मदद की है। हमारा ध्यान त्रिकेंद्रित है, छात्र केंद्रित, संकाय केंद्रित और सामुदायिक केंद्रित। हमारा विभाग अपने शिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों को संतुलित करना चाहता है ताकि दोनों एक दूसरे को बढ़ावा दें। यह विभाग आसपास के ग्रामीण परिवेश में अनुसंधान और ऑनसाइट कार्यान्वयन को बढ़ावा दे रहा है। चूंकि अधिकांश छात्र दक्षिण राजस्थान के आदिवासी बेल्ट से संबंधित हैं, इसलिए विभाग का दृष्टिकोण सीखने के अनुभव को केवल कक्षा तक सीमित नहीं होने देता है। ऑनसाइट कार्यान्वयन और सामाजिक और ग्रामीण उत्थान के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ हम इस क्षेत्र में समावेशी ग्रामीण उच्च शिक्षा के लिए एक आदर्श संस्था के रूप में उभरे हैं। हम अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह से समझते हैं और अत्यधिक कुशल, व्यावहारिक और जानकार छात्रों के साथ समाज की सेवा करने के लिए दृढ़ हैं। कीट विज्ञान और जैव विविधता में मास्टर ऑफ साइंस कोर्स के अलावा विभाग वर्ष 2017 से 3 पेशेवर पाठ्यक्रम चलाता है। पब्लिक हेल्थ एंटोमोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, वर्म टेक्नोलॉजी के साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में स्किल डेवलपमेंट कोर्स और मशरूम कल्टीवेशन में स्किल डेवलपमेंट कोर्स। विभाग भविष्य में 2 और पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए योजना बना रहा है। मधुमक्खी पालन, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एंटोमोलॉजी में डिप्लोमा। यह कोर्स 2017 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जोधपुर राजस्थान के सहयोग से शुरू हुआ। जूलॉजी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर आरती प्रसाद और विभाग सामुदायिक चिकित्सा एम्स जोधपुर के प्रमुख प्रोफेसर पंकजा राघव ने इस कोर्स को शुरू करने के लिए सार्क सम्मेलन में एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। यह राष्ट्रीय और वैश्विक जरूरतों को संबोधित करने वाले भारत में अपनी तरह का पहला कोर्स है। यह कोर्स शोधकर्ताओं और चिकित्सा पेशेवरों के बीच के अंतर को पुल करेगा, जो हमेशा एक मुद्दा रहा है जहां तक वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम का संबंध है। भारत और अन्य उष्णकटिबंधीय देशों में उभरते वेक्टर से उत्पन्न बीमारियों की वजह से सार्वजनिक स्वास्थ्य में एंटोमोलॉजिस्ट की बढ़ती आवश्यकता है। इस अब तक 5 BDS ने इस कोर्स को लिया है। इस कोर्स की प्रासंगिकता को देखते हुए WHO दिल्ली और जिनेवा ने अपना समर्थन बढ़ा दिया है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के जूलॉजी डिपार्टमेंट की पब्लिक हेल्थ एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ने पब्लिक हेल्थ एंटोमोलॉजी में गत वर्षों में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। WHO की तरफ से भी हमने इस लेबोरेटरी को आर्थिक तकनीकी सहायता दी है और इस सहयोग के वजह से और प्रोफेसर आरती प्रसाद और उनके साथियों के प्रयास से ये जो स्टूडेंट्स ट्रेन किए जा रहे हैं, ये आने वाले समय में भारत में वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के कंट्रोल और एलिमिनेशन में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। ये बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि हमारे देश में वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल की जो कैपेसिटी है बहुत कम है और इस वक्त हमें इस तरह के प्रयास की बहुत ज़रूरत है। जब हम कई सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन करें और ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को, मलेरिया कंट्रोल डिपार्टमेंट को और अन्य डिपार्टमेंट्स को, सैनिटेशन वगैरह को मदद करें, तो इस तरह से ये लेबोरेटरी का महत्वपूर्ण योगदान है। और प्रोफेसर आरती प्रसाद और उनके जो साथी हैं वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस कोर्स को निरंतर जारी रखा है और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा कोलैबोरेशन, WHO कोलैबोरेशन इस लेबोरेटरी के साथ जारी रहेगा। धन्यवाद। भारत के शीर्ष संस्थानों से वेक्टर नियंत्रण में काम कर रहे वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करने और इन छात्रों को पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। नियुक्ति दर लगभग 80% है। हमारे छात्र विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में काम कर रहे हैं और कोविड महामारी में मदद कर रहे हैं। पाठ्यक्रम छात्रों को उदयपुर और राजस्थान के आसपास और आसपास के विभिन्न वेक्टर जनित बीमारियों के लिए बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करने की अनुमति देता है। रुसादो के तहत MHRD ने आदिवासियों के लिए परामर्श केंद्र और प्रशिक्षण के लिए 2 करोड़ रुपए दिए हैं।
हेलो, मैं संजय कुमार मीणा प्राणीशास्त्र विभाग में संचालित डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ एंटोमोलॉजी के प्रथम बैच का स्टूडेंट रहा हूँ। अभी करंटली प्राणीशास्त्र विभाग में प्रोफेसर आरती प्रसाद मैम के सुपरविजन में फोरेंसिक एंटोमोलॉजी में पीएचडी कर रहा हूँ। जुलाई 2017 में मैंने डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ एंटोमोलॉजी में एडमिशन लिया था। डिप्लोमा की बात करें तो नॉट ओनली राजस्थान, इंडिया के अंदर फर्स्ट ऐसी शुरुआत होगी जो आरती मैडम ने वेक्टर एंड वेक्टरबॉर्न डिजीज के कंट्रोल के लिए, रोकथाम के लिए काफ़ी अच्छी शुरुआत की है। मच्छरजन्य बीमारियों को कैसे आइडेंटिफाई करना है, मच्छरों को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन सा मच्छर कौन सी बीमारी कॉज करेगा, फील्ड में कैसे जाना है, फील्ड में लोगों से कैसे इंटरेक्शन करना है, तो सब कुछ बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। और अगर कीट वैज्ञानिक जो इंडिया के ग्रेटेस्ट इंस्टीट्यूट है, लाइक ICMR है, NIMR है, NUBDC भी है, NCDC है, VCRC है, तो उनके जो ग्रेटेस्ट कीट वैज्ञानिक है उनसे इंटरेक्शन करने के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। मंथली एक दो कॉन्फ्रेंसेज और वेबिनार सेमिनार होते हैं तो उनमें एंड कीट वैज्ञानिक आते हैं, उनके द्वारा वर्कशॉप में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, लेक्चर हैं, प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं, करवाए जाते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड जॉब पॉसिबिलिटी की बात करें तो डिप्लोमा के बाद में बहुत ज़्यादा जॉब पॉसिबिलिटी है अपने जॉब के लिए, क्योंकि अगर अभी बर्डन देखें तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया का बहुत ज़्यादा है और जो इंस्टीट्यूट है उनमें सीटें बहुत ज़्यादा वैकेंट है, तो जॉब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वर्मी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। विभाग ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे को हल करने के लिए इस पाठ्यक्रम को शुरू किया है। छात्रों को शहर और कॉलेज परिसर में जलते कचरे से अत्यधिक धुएं की शिकायत है। विभाग ने कम से कम बेहतर तरीके से अपने स्वयं के उत्पन्न कचरे का प्रबंधन करने का निर्णय लिया। चूंकि प्रोफेसर आरती प्रसाद पहले से ही वर्मी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी, इसलिए विभाग ने इसका इस्तेमाल बेहतर कचरा प्रबंधन के लिए किया। अब विभाग वर्मी कंपोस्टिंग में अग्रणी बन गया है और परिसर में एकमात्र वर्मी कंपोस्टिंग इकाई संचालित करता है। विभाग हम अपने अपशिष्ट को बर्बाद नहीं करते हैं की टैगलाइन पर काम करता है। सभी विभागीय अपशिष्ट, कागजात, पत्तियां, बचे हुए भोजन, छात्र की पुरानी नोटबुक और रिकॉर्ड इत्यादि वर्मी कंपोस्टिंग इकाइयों में उपयोग की जाती है। हमने एक पेशेवर पाठ्यक्रम के रूप में मास्टर ऑफ साइंस के हमारे पाठ्यक्रम में इस कोर्स को शामिल किया। प्रत्येक वर्ष 100 छात्रों को वर्मी कंपोस्टिंग और अपशिष्ट प्रबंधन में प्रशिक्षित किया जाता है। इसने वर्मी कंपोस्टिंग को पेश करने और बढ़ावा देने के लिए दो कार्यशालाएं आयोजित की। पहली कार्यशाला हरी कैंपस स्वच्छ परिसर एक पौधे एक छात्र के नारे के साथ आयोजित किया गया था। कार्यशाला के दौरान विश्वविद्यालय की पहली वर्मी कंपोस्ट इकाई का उद्घाटन माननीय कुलपति प्रोफेसर JP शर्मा और उदयपुर के मेयर श्री चंदन सिंह कोठारी द्वारा किया गया था। दूसरी कार्यशाला वर्मी कंपोस्टिंग जैव प्रौद्योगिकी 8 सितंबर 2018 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित की गई थी। विश्वविद्यालय के लगभग 100 संकाय सदस्यों को एक छोटे स्तर पर वर्मी कंपोस्ट इकाई को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। विभाग वर्मी कंपोस्टिंग पर स्कूल के बच्चों, टिफिन सेंटर और जनजातीय महिलाओं को भी प्रशिक्षण दे रहा है। इसके पीछे आदर्श वाक्य है, बूंद बूंद से सागर भरता है। यदि सभी सरकारी संस्थान, स्कूल, टिफिन केंद्र अपने उत्पादित ठोस अपशिष्ट के इलाज के लिए वर्मी कंपोस्ट इकाइयों को शुरू करते हैं तो शहर को लगभग 40% ठोस अपशिष्ट एक पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है। पिछले 3 वर्षों में हमने विभाग में उत्पन्न अपशिष्ट को संसाधित करके लगभग 5 टन खाद का उत्पादन किया है और 2 खूबसूरत बगीचे विकसित किए हैं। मशरूम की खेती। यह कुशल और उद्यमी छात्रों को तैयार करने के लिए विभाग द्वारा एक और कदम है। प्रोफेसर प्रीति सिंह मशरूम उत्पादन के लिए छात्रों का मार्गदर्शन कर रही है। MHRD रुसारे वर्मी कंपोस्ट और मशरूम इकाइयों को विकसित करने और रोजगार के लिए जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 2 करोड़ रुपए को वित्त पोषित किया है। सम्मेलन और संगोष्ठी। विभाग छात्रों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए सम्मेलनों के आयोजन और सम्मानित वक्ताओं को आमंत्रित करने के लिए काफी संसाधन खर्च करता है। वर्तमान विभाग प्रमुख प्रोफेसर आरती प्रसाद ने 3 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 4 राष्ट्रीय सम्मेलन और 5 कार्यशालाएं आयोजित की हैं। वेक्टर और वेक्टरबॉर्न बीमारियों पर 12वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। डॉक्टर VM कटोच, सचिव स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और महानिदेशक ICMR नई दिल्ली ने 16 सितंबर 2013 को सम्मेलन का उद्घाटन किया। तब माननीय कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में भारत और विदेश के प्रमुख संस्थानों के कुल 350 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
सम्मेलन में मुख्य रूप से बायोनॉमिक्स और नियंत्रण, रोग महामारी विज्ञान, परजीवी जीव विज्ञान, नैदानिक अध्ययन और आवश्यक निवेक्टर और वेक्टर जनित रोग नियंत्रण उपकरण शामिल थी। डॉक्टर लेनन ओर्टेगा, पूर्व क्षेत्रीय निदेशक मलेरिया दक्षिण पूर्व एशिया के लिए क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली ने पूर्ण व्याख्यान दिया। दक्षिणी राजस्थान और देश के आदिवासी क्षेत्र में डेंगू के प्रबंधन और नियंत्रण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक विशेष डेंगू सत्र का भी आयोजन किया गया। पर्यावरण अनुकूल और सामाजिक रूप से उत्तरदायी अर्थव्यवस्था और इक्विटी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। यह सम्मेलन पारिस्थितिकी, इक्विटी और अर्थव्यवस्था के बहुविषयक विषय पर अपनी तरह का पहला अंतर्राज्य अंतर विश्वविद्यालय सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। MLSU उदयपुर राजस्थान के जूलॉजी विभाग ने 9 से 11 जनवरी 2017 तक इस सम्मेलन को आयोजित करने के लिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी पुणे के कीर्ति एम डोंगुरसी कॉलेज मुंबई के साथ सहयोग किया। सम्मेलन के सबसे बड़े प्रायोजक ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड थे। इस सम्मेलन में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और भारत के 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान विभाग और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्यमिता में देश का पहला डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए हस्ताक्षर किए गए। सम्मेलन में विश्व स्वास्थ्य संगठन, नई दिल्ली, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ग्वालियर, ZSI कोलकाता, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे, जलवायु परिवर्तन परिषद नेपाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान कृषि विश्वविद्यालय बांग्लादेश जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के अधिकारियों ने भाग लिया। वेक्टर बॉर्न और परजीवी रोगों के संबंध में जनजातीय स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन। भारत में आदिवासी समुदाय की जीवंत झांकी, उत्तर में हिमालय से लेकर भारत के सबसे दक्षिणी छोर तक और पूर्व भारत के सुदूर कोने से लेकर पश्चिम में राजस्थान के टीलों तक फैली हुई है। वेक्टर जनित और परजीवी रोगों के वास्तविक बोझ और पैटर्न पर छोटी और बिखरी हुई जानकारी है। भारत की जनजातीय आबादी के बीच व्यापक स्वास्थ्य अनुसंधान की कमी है। सम्मेलन का उद्देश्य भारत की जनजातीय आबादी के बीच वेक्टर जनित और परजीवी रोगों से निपटने के लिए नीतियों और रणनीतियों का प्रस्ताव करने के लिए नवीन और समग्र दृष्टिकोण पर विचार विमर्श करने के लिए शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाना था। महारानी साहिबा निवृत्ति कुमारी मेवाड़ ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन के अन्य उल्लेखनीय उपस्थित डॉक्टर आरएस यादव, डॉक्टर रूप कुमारी, डॉक्टर कल्पना बरुआ, पद्मश्री और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता डॉक्टर प्रकाश आमटे और मंदाकिनी आमटे थे। माननीय कुलपति प्रोफेसर अमरिका सिंह जी की जूलॉजी विभाग की यात्रा। माननीय कुलपति प्रोफेसर अमरिका सिंह ने जूलॉजी विभाग का दौरा किया, वर्तमान पहलों को समझने के लिए संकायों के साथ व्यापक चर्चा की, विभाग की प्रगति का मूल्यांकन किया और मूल्यवान सलाह प्रदान की। उनकी यात्रा ने संकायों को प्रेरित किया और हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि विभाग अपना अच्छा काम जारी रखेगा। विभाग प्रमुख द्वारा समापन शब्द। मैं प्रोफेसर आरती प्रसाद हूँ, प्राणी शास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष। 2014 में मैंने विभागाध्यक्ष का भार संभाला। मेरे विभागाध्यक्ष बनने के बाद मैं अपने विभाग में सबसे पहले हमने फोकस किया दो तीन चीजों पे। एक फोकस था हमारा कि अच्छे प्रोजेक्ट्स आने चाहिए विभाग में। दूसरा हमारा फोकस था कि स्टूडेंट्स को कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज, कुछ स्किल नॉलेज देना चाहिए हम लोगों को, जिससे हमारा बच्चा एक अच्छा सफल नागरिक बन सके, सफल स्टूडेंट बन सके, कम्युनिटी से जुड़े वो जाकर, क्योंकि लैब की जो एजुकेशन है वो जब तक लैंड तक नहीं पहुंचेगी, मेरा एक मानना था कि तब तक हम विद्यार्थी या एक जिम्मेदार नागरिक बना नहीं सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर फोकस किया। कुछ हमने विभाग के दूसरे डिपार्टमेंट्स के, दूसरे नेशनल और इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे विभाग के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनको मैं अपने विभाग तक लाने के लिए मैंने एक मुहिम छेड़ी
कि जब तक हमारे बच्चों का नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं होगा तब तक ये बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि हमें किस लेवल तक तैयार होना है, क्या काम करना है मुझे, क्या हमारे लिए जरूरी है। प्रोजेक्ट्स हम काफी लाए हैं जिसमें कि हमारे पास DST का प्रोजेक्ट है, डिपार्टमेंटल फीस है, और SAP का प्रोजेक्ट है हमारे पास, UGC का। हमारे डिपार्टमेंट में डॉक्टर विजय कोहली हैं, उनके पास IBA US का भी प्रोजेक्ट है और उनके पास DST फीस्ट है। मेरे पास मेरी जो प्रयोगशाला है लेबोरेटरी ऑफ पब्लिक हेल्थ, जिसमें हमारे पास गोदरेज से हम काम कर रहे हैं, के साथ काम कर रहे हैं। अभी हमने रिकेट्स एंड बेंसर जो UK की कंपनी है उसके साथ हमने एक MOU किया है, और हमारे पास रूसा का जो MHRD का प्रोग्राम है उसके तहत भी हमें 4 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें कि हम विभाग के रिसर्च वर्क को और इंफ्रास्ट्रक्चर को और करियर हब में हमें पैसा मिला है, जिसमें कि हम गांव के ट्राइबल जो युवा हैं उनको प्रशिक्षित करने का काम करेंगे, अलग अलग स्किल में अलग अलग उनके कोर्सेज हम ले करके उसमें काम करेंगे। लास्ट साल भर से हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों में आगे काम किया है। हमारे कुलपति जो हमारे मुखिया भी हैं, इनके नेतृत्व में हम लोगों ने में काम करने की एक अलग जगह है, और हम हर वक्त ये सोचते हैं कि सर क्या हमें बताएं, हम फटाफट कर लें, और जो भी काम हम करके देते हैं सर बहुत खुश होते हैं और हमेशा हमें बच्चों की तरह कहते हैं कि और आगे काम कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिल रहा है, और इस वक्त हम ये सोच रहे हैं कि आगे हम और भी काम करना चाहेंगे, अच्छे परियोजनाएं लाएंगे। हम स्किल कोर्स जो हमने शुरू किया है, इसको हम ट्रैवल बेल्ट पे जितने भी हमारे युवा हैं जो 10वीं पास हैं उनको बुलाकर उनको हम प्रशिक्षित करेंगे, और आगे हम इसी तरह के काफी कार्यक्रम सोच रहे हैं, जिनको कि हमारे माननीय कुलपति के अध्यक्षता में उनके नेतृत्व में मैं पूरा कर पाऊंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन्हीं बातों से के साथ मैं अपने सभी स्टूडेंट्स का, कलीग्स का, सभी का धन्यवाद करती हूँ जो मुझे इस तरह से काम करने के लिए प्रेरित भी करते हैं और सहयोग भी करते हैं। धन्यवाद।